हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो। 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम इसका फॉर्म चेक करें तो 0/0 का फॉर्म है, ठीक है ना। सो अब हम क्या करें, इसको तो एक मेथड है एल हॉस्पिटल रूल, जो आगे मैंने लिया है। सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर जितने भी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर वो 0/0 का फॉर्म है, वी कैन अप्लाई दैट दैट रूल्स, राइट। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेकिन आई थिंक उसमें अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देन यू हैव टू सॉल्व इन बाई दिस मेथड। तो देखिए यहाँ पे 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, लेकिन इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी का, है ना। सो मैंने कई बार लिख चुका हूँ फॉर्मूला, लेकिन फिर भी एक बार फिर लिख देता हूँ। देखिए क्या हमारे पास, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसको साइन सी इसको साइन डी मान लिया, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, यस। सो नीचे भी अगर सेम क्वांटिटी, अगर वही क्वांटिटी मैं नीचे लगा दूँ, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला साइन ऑफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, कब, जब लिमिट एक्स टेंड टू 0 होता है, वी कैन यूज दिस फार्मूला, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसी से मुझे, अब यहाँ देखो ना पाई बाई 2 माइनस एक्स तो है, कमी किस चीज़ का है, सिर्फ डिवाइडेड बाई 2 की कमी है। मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, साथ ही मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो नाउ दिस कंप्लीट क्वांटिटी, ये वाला ऊपर और ये नीचे मिलकर 1 बन गया, और 2 से 2, अब चाहो तो यू कैन कैंसिल हेयर, राइट, अगले टर्म में। सो यहाँ पर देख लो आप, हाँ, सो 2 से 2 यू कैन कैंसिल, ऊपर में कितना बच गया, इतना बच गया। अब जैसे ही पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये बन गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बन गया, तो कॉस पाई बाई 2 फिर से बन गया ना। सो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, राइट। इसका सेकंड मेथड भी बच्चों काफ़ी सिंपल सा है, ए हुई एल एच रूल, है ना, एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं, या कई लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, प्रोनंसिएशन अलग अलग है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई कर दो, 0/0 फॉर्म है ना, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होता है एल हॉस्पिटल रूल, जो हमारा न्यूमरेटर है आपको डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमरेटर को सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तो इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दो एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर लिमिट पुट करके देखो, और अगर यहाँ पे हमारे पास ये डिफाइन हो गया तो वही आंसर, और नहीं हुआ तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, फिर से डिफ्रेंशिएट करो अगर नहीं हुआ तो, है ना। सो आई थिंक जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़े हैं उनको पता होगा, लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाई 2, ऊपर में हो गया हमारे पास कॉस एक्स, नीचे में हो गया 1 आ गया। सो माइनस माइनस कैंसिल, अगर पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू मच।